फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगदास ऑल इन वन चैनल। आपको मेरे इस चैनल पर पेंटिंग, कुकिंग, DIY, होम डेकोर और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, और कुकिंग वीडियोस में रेसिपीज़ और उनके साथ साथ रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो आज की रेसिपी है चीज़ बर्स पिज्ज़ा विदाउट ओवन। ये एक बहुत ही माउथ वाटरिंग और डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चीज़ बर्स पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप गरम पानी। इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच ड्राई एक्टिव यीस्ट, और साथ ही मैं डाली है 1 चम्मच शुगर। अब इन सबको मिला के हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच घी। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो यीस्ट का पानी हमने तैयार करके रखा था उससे हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर ये पानी कम पड़ता है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। इनिशियली ये डो काफ़ी चिपचिपा होगा, तो जैसे जैसे हम इसको नीड करते जाएंगे इसकी चिपचिपाहट अपने आप ही कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म ले रही हूँ, और इसको नीड करने का जो बेस्ट तरीका है, आप इसे स्ट्रेच कीजिए, रोल कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, रोल कीजिए। इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही नीड करना है। इन बिटवीन अगर आपको चिपचिपाहट महसूस हो तो आप अपनी उंगलियों पे थोड़ा सा बटर या घी ले सकते हैं, और फिर उसकी हेल्प से इसको अच्छे से नीड कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद हमारा जो डो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। फिर हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट करने से पहले इसके ऊपर आप बटर या ऑयल या घी कुछ भी लगा दीजिए और इसे ढककर रख दीजिए। इसे हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए गर्म प्लेस पर रेस्ट करने के लिए रखना है। तो चलिए अब पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 4 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे हम ग्रेटेड गार्लिक। यहाँ पर मैंने 4 कली ली हैं। अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये प्याज 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ओरिगैनो और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे। जब ये पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने आधे कट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं। और इस पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इनको स्टर करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद हमारे टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, और आप इसकी स्किन को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे टमाटर की स्किन को अलग कर लूँगी। उसके बाद हमें इन टमाटर को अच्छे से और कुक करना है। तो मैंने इन टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच केचप, थोड़ा सा स्टिर कीजिए, और आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। तो 1.5 घंटे के बाद हम अपने डो का स्टेटस चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा डो काफ़ी फूल चुका है। अब हम इसे पंच कर लेंगे, इसमें जो भी एयर है उसे निकाल देंगे और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हम अपने डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा 1/3 और सेकंड पार्ट होगा 2/3। तो 1/3 वाले पार्ट को हम बेल कर एक पतली सी रोटी तैयार कर देंगे। जब हमारी रोटी पूरी तरीके से बेल जाए तो हम इसमें फॉर्क की हेल्प से पंच कर देंगे। अब हमें इसे गर्म तवे पर 8 से 10 सेकंड के लिए सेकना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, और इतना ही सेकना है कि इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएँ। क्योंकि ये नो ओवन रेसिपी है तो इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। यहाँ मैंने मोटे पैने की कढ़ाई ली है जिसमें नमक डाला है, और इसे ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। यहाँ इस प्लेट को मैं ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि इस प्लेट में हम पिज़्ज़ा को बेक करने वाले हैं। ये 6 इंच की प्लेट है।
अब जो टू थर्ड वाला डो था उसे हम इस तरीके से इस पूरी प्लेट पर फैला लेंगे और इसे थोड़ा ज़्यादा ही फैलाएंगे, उसका रीज़न आपको बाद में समझ में आ जाएगा। उंगलियों की हेल्प से हम इस डो को अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़। यहाँ पे मैं चीज़ स्प्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ स्प्रेड यूज़ किया है। अब इसके बाद हम फॉर्क की हेल्प से इस बेस को पंच कर देंगे। पंच करने का रीज़न ये है ताकि बेक होते वक्त हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो फूले ना। हम डालेंगे वो रोटी जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी और इस तरीके से हम मार्जिन्स को फोल्ड कर देंगे। और मार्जिन्स फोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छे से मर्ज कर देंगे। इसके बाद हम इस पे डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने अभी तैयार की थी। इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और उसको अच्छे से फैला देंगे। चीज़ स्प्रेड करने के बाद हम इस पे डालेंगे टॉपिंग। तो उसमें आप अपने मन की जो भी सब्जियाँ हो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे टोमेटो, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, पनीर, ऑलिव्स, जलपीनो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन ऐड इट। अगर आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो कोई भी टॉपिंग ऐड मत कीजिए। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की। क्या आपको पता है मार्गरीटा पिज़्ज़ा को इटालियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था? इटालियन फ्लैग में तीन कलर होते हैं, ग्रीन, रेड एंड वाइट, जिसमें पिज़्ज़ा सॉस रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है, चीज़ वाइट कलर को एंड फ्रेश बेसिल लीफ ग्रीन कलर को। है ना इंटरेस्टिंग? इसीलिए हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा में कोई भी टॉपिंग ऐड नहीं करते हैं। चलिए अब हम अपना पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रख देते हैं। तो हमने अपनी प्लेट को प्री हीटेड कढ़ाई में रख दिया है और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमारा जो पिज़्ज़ा है कुछ इस तरीके से दिखेगा, सारा चीज़ पिघल चुका है और बेस भी अच्छे से बेक हो चुका है। चारों तरफ से हमारे पिज़्ज़ा का कलर बहुत अच्छा आया है और इस तरफ से हमारा चीज़ ओवरफ्लो भी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो हमारा चीज़ बस पिज़्ज़ा रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर चीज़ बस पिज़्ज़ा या कोई भी पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।